नमस्कार, मैं अनुज और आप देख रहे हैं NBC 24। इस वक्त मैं कारगिल चौक के पास खड़ा हूं और यहां पे अभी जनाधिकार पार्टी के द्वारा पुतला दहन किया गया था। केंद्रीय कृषि मंत्री, मैं उनसे बात करूंगा कि क्या मांग थी आपकी। कि हम लोग ने आज बिहार सरकार के मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री दोनों का पुतला दहन किया, जो पिछले दिनों कृषि मंत्री के द्वारा किसानों को दलाल कहा, यह असहनीय बात है। जो तो अन्नदाता हैं, किसान कहीं से दलाल नहीं हो सकते। वो खेत में अपना खून पसीना बहाते हैं, पूंजी लगाते हैं, अनाज उत्पादन करते हैं और लागत से कम अगर किसान खेती छोड़ दे तो ये भारत का अर्थव्यवस्था चमड़ा जाएगी। सरकार की इतनी अति शक्ति नहीं है कि वो बाहर से अनाज मंगा के पूरे को खाना खिला पाए, क्योंकि अनाज भंडारण जब तक उसका जो कृषि का ग्रोथ हुआ, सरकार का स्थिति अच्छा हो पाया, अब उसको आप दलाल कह दीजिएगा किसान को तो कहीं से उचित नहीं है। तो इसीलिए कृषि मंत्री का पुतला दहन किए गए हैं। दूसरा, जो पिछले 15 दिनों से छह जन अधिकार पार्टी का शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चल रहा था, हर जिले में मुख्यालय पर धरना दिया जा रहा था, अनिश्चित धरना था, उसके बाद जहाँ किसान अदालत लग के उसमें निर्णय लिया गया था राजभवन मार्च का, उस राजभवन मार्च शांतिपूर्ण निकलते के साथ ही जिस तरह पुलिसों ने घेरा, पानी का बरसात किया, लगभग दो दो बार ड्राम पानी हम लोगों के गैनन छोड़ा गया, इस ठंडी में किसान भींग गए, और उसके बाद किसान जब वापस जा रहे थे तब पीछे से आकर लाठियों से पीटा जाता है और दर्जनों नेताओं को गिरफ्तार किया जाता है। लगातार जुलुमिया के खिलाफ हम लोग नीतीश कुमार का पुतला दहन किए हैं और सरकार से मांग किए हैं कि जो अधिकारी थे उन पर कार्रवाई किया जाए, कि किस आधार पर वहाँ पर हमारे किसान, हमारे छात्र, हमारे युवा उन्हें धक्का मुक्की किए होते, हमारे जबरदस्ती बल का उपयोग किए होते, हम जाने का प्रयास किए होते तो लाठीचार्ज होता है तो समझ में आता है। जब हम वापस जा रहे हैं तब वहाँ किसान जो आए हुए थे उनकी गाड़ी जब्त किया जा रहा है, छात्रों को पीटा जा रहा है और टारगेट करके जन अधिकार पार्टी के जो नेता थे उनको गिरफ्तार किया जा रहा था। किसान द्वारा विरोध किया जा रहा है, कृषि का क्या बदलाव आना चाहिए? देखिए, तीनों नीति जो पूंजीपतियों का भंडारण का जो छूट दिया गया है, MRP जो रेट तय नहीं करेगी सरकार, जिसका जो पूंजी किसान का लागत लगता है वो भी वापस नहीं आया तो खेती कौन करेगा? अभी का बात कर लीजिए, अभी आलू का सीजन है, आलू अभी निकलेगा 2-3 रुपये खेत में बिकता है और मॉल में चले जाएगा तो सीजन जब समय रहेगा 10-20 रुपये किलो मिलेगा, जब सीजन ख़त्म होगा तब वो चला जाता है 60-70-80। आप दिनों में देखिएगा जिस तरह प्याज सीजन और दलहन सभी फसलों में होगा, ये पूंजीपति में उसको स्टोर कर लेंगे, जब मार्केट से आउट होगा तो मार्केट में लाएंगे, तो हम लोग पूरे निर्भर हो जाएंगे पूंजीपति। जी बिल्कुल, ये किसान जो लाठीचार्ज किया गया है और ठंड में पानी की बौछार की है, इसके वजह से यहाँ पे केंद्रीय कृषि मंत्री का पुतला दहन किया गया। हाँ, इस तरह पूरे बिहार में हम लोग का शांतिपूर्ण धरना चला अनिश्चितकालीन, उसके बाद हम लोग राजभवन मार्च कर रहे थे, शांतिपूर्ण जाने के तैयारी में थे, प्रदर्शन स्टार्ट हुआ और उसी समय बिहार पुलिस के द्वारा जिस तरह अमाननीय घटना किया गया, शांतिपूर्ण तरीके जा रहे थे इस ठंडी में, पहले पानियों का बौछार किया गया, उसके बाद बौछार के बाद सभी कार्यकर्ता वापस जा रहे थे तो पीछे से आके सभी कार्यकर्ताओं को लाठी से पीटा जाता है, गाड़ी को जब्त कर लिया जाता है। उसके खिलाफ आज बिहार सरकार का पुतला दहन था, जो बिहार के सभी जिलों में हो रहा है, कि जो पुलिसिया दमन की नीति अपनाई जा रही है बिहार सरकार के खिलाफ के द्वारा, उसके खिलाफ आज नीतीश कुमार का पुतला दहन था। और पिछले दिन जो भारत सरकार के कृषि मंत्री हैं, जो किसानों को दलाल कह रहे हैं, उनका भी पुतला दहन है, कि जो अशोभनीय बात कर रहे हैं, जो अन्नदाता है उसको आप दलाल कह रहे हैं, किसान कहीं से दलाल नहीं हो सकता है। दलाल की काम सरकार कर रहे हैं, जो पूंजीपतियों को बढ़ावा देना चाह रहे हैं, जो बिचौलिया, पहले तक जो कानून था कि जो स्टोर करने का क्षमता निर्धारण थे सरकार के द्वारा, मगर अब पूंजीपतियों के हाथ में दिया गया है जितना अनाज को भंडारण कर लेंगे और वो दलाली करके किसान का औने पौन धाम में अभी खरीदेंगे, अच्छा मार्केट में से गायब होगा तो वो मार्केट में लाएंगे, तो दलालों का काम सरकार कर रही है, किसान अन्नदाता दलाल नहीं हो सकता है। इसीलिए नरेंद्र कृषि मंत्री और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री के दोनों का पुतला दहन हम लोग किए हैं जन अधिकार पार्टी के द्वारा,
जो बिहार के तमाम जिला मुख्यालय में आज किया गया है। आज का पटना जिला का था कार्यक्रम सचिदानंद जी और टिंकू कुमार जी के नेतृत्व में पुतला दहन किया गया। NBC 24 सच की ताकत।